प्रस्तुति आरएस जैसी सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें। प्रणाम, आज क्या प्रश्न लेकर आए हो? वही आरएस की तैयारी कैसे करें, सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें। अच्छा, तो मेरे पहले एक प्रश्न का जवाब दो। कौन सा प्रश्न? कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हो? क्या ये जरूरी है इतना जानना? आपको पता होना चाहिए कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हो। कोई भी कंपटीशन परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। उत्तर आपके दिल से आना चाहिए, क्योंकि जब उत्तर आपके दिल से आएगा तो वह दिल तक असर करेगा। जानते भी होंगे आप कि एक माँ अपने बच्चे को जितना प्यार कर सकती है उतना किसी और से शायद ही कर सके। इसलिए आपका उत्तर आपका अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में भी यही प्रश्न पूछा जाता है और दिल से इसका उत्तर निकलेगा तो दिल तक असर करेगा। मजबूत कारण आपको मजबूती से मैदान में बनाए रखेगा। जब जब भी धैर्य जवाब देने लग जाएगा तब आपके लिए यही प्रश्न बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। इसलिए आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। सर, आप सिलेबस कंठस्थ करने के बारे में बहुत ज़्यादा कहते हैं, तो सिलेबस कंठस्थ करने के पीछे क्या राज है? क्या सिलेबस को कंठस्थ करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। तो कंठस्थ करना क्यों ज़रूरी है? मैं सदा से इस बात का समर्थक रहा हूँ कि जिस किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए। सिलेबस एक मार्गदर्शक या संकेतक की तरह होता है। जिस तरह संकेतक हमें बताते हैं कि सफ़र कितना किया जा चुका है और कितना करना शेष है, कहाँ मुड़ना है और कहाँ से चलना है, तो इस सारी चीज़ें वहीं से जानकारी मिलती है। तो इससे भी कुछ ऐसी ही भूमिका निभाता है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी है, इन सब का पता सिलेबस से ही लगता है। समय और ऊर्जा की बचत भी होती है, साथ ही साथ ये भी पता लगता है कि कौन सा टॉपिक कमज़ोर है और कौन सा मजबूत है। इस संदर्भ में भी स्ट्रेटेजी बनाने में सिलेबस का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए सिलेबस तो कंठस्थ होना ही चाहिए। एक और बात, बाजार में पाठ्य सामग्री की अत्यधिकता से हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तो उससे भी बचने के लिए सिलेबस बहुत ही मददगार साबित होता है। सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब प्रशासक की सोच ये क्या है? आप अक्सर कहते हैं प्रशासक जैसी सोच होनी चाहिए। प्रशासक जैसी सोच क्यों जरूरी है? प्रशासक की सोच कैसी होती है? स्पष्ट होती है, समस्या के समाधान के लिए होती है, सार गर्भित होती है और संदर्भित होती है, साथ ही साथ सभी को साथ लेकर चलने वाली, संविधान का सम्मान करने वाली लोकतांत्रिक सोच होती है, मध्यम मार्ग की भी होती है। इसलिए तो कहते हैं आम जनता जहां सोचना बंद करती है प्रशासक वहीं से सोचना शुरू करता है। आपके द्वारा लिखे जाने वाले उत्तरों में अगर यह सोच झलकेगी और दिए जाने वाले इंटरव्यू में यह सोच अगर दिखेगी तो फिर आपकी सफलता सुनिश्चित करने से कौन रोक सकता है। इसलिए आपकी सोच विकसित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। स्पष्ट हो, समस्या का समाधान करने वाली हो, सार गर्भित हो, फालतू बातें ना हो, संदर्भित हो, मध्यम मार्ग की हो और संविधान का सम्मान करने वाली लोकतांत्रिक। के बारे में नहीं जानना चाहोगे? हाँ सर, किताबों के बारे में तो जानना ही है। किताबें बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। किताबें कौन सी पढ़ें? वो जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जैसे NCERT, जैसे कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारत, राजस्थान सरकार द्वारा सूजस इत्यादि, ये पुस्तकें पढ़ना बेहतर रहता है। प्रामाणिक पुस्तकों से ही प्रश्न पत्र तैयार होते हैं। टॉपर्स के द्वारा जितनी भी अनुशंसित पुस्तकें होती है वो भी पढ़ना लाभदायक रहता है। करंट अफेयर्स के लिए अखबार पढ़ने और न्यूज़ सुनने की आदत डालनी होगी। अखबार में उन्हीं टॉपिकों को छूने का प्रयास अवश्य करना चाहिए जो सिलेबस में है। टॉपर्स बहुत सारी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, वो एक नियम का पालन करते हैं और नियम ये है कि 10 पुस्तकों को एक बार भी न पढ़ पाओ, इससे अच्छा है कि एक अच्छी पुस्तक को 10 बार पढ़ा जाए। यही वो नियम है जिसका पालन हर कंपटीटर को करना चाहिए। अब मुझे एक प्रश्न है जो उसको जानना है, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं? हाँ, कोचिंग के बारे में।
कोचिंग के बारे में ऐसा है कि कुकुरमुतो की तरह जो कोचिंग संस्थान हो गई है, तो यहाँ समस्या क्या है कि उनके चुनाव की, कि अच्छा कोचिंग संस्थान कौन सा है, उसे कैसे चुने। अब तो एक परंपरा सी बन गई कि जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है उसको कोचिंग जाना चाहिए। अगर वो कोचिंग नहीं जाता है तो लगता है कि वो तैयारी नहीं कर रहा है। अच्छी कोचिंग संस्थान के तीन फायदे मिलते हैं। एक तो आपका समय नष्ट नहीं होता, आपको नोट्स बहुत ही शानदार प्रामाणिक नोट्स मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस कवर हो जाता है। इसलिए सीमित, आवश्यक और कमजोरी मिटाने में जो सहायक है वो कोचिंग अवश्य करनी चाहिए। कोचिंग करने वाले जब अपना फायदा देखते हैं तो हमें भी अपना फायदा देखना चाहिए। जितना हो सके उतना ही कोचिंग जरूरी है, ज़्यादा नहीं। तो सर क्या आप इस चैनल पर इंटरव्यू करवाएंगे, जो टॉपर्स रहे हैं, जो सफल हो चुके हैं, उनके इंटरव्यू करवाएंगे? और कौन सी ज़रूरी बात है? एक बात ज़रूरी है, वो है कि आप मेहनत का विकल्प कोई नहीं ढूंढ सकते। फोकस रहे अपने काम पर, पूरी तरह से तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करें, वही आपको सफल बनाएगी। इसलिए फोकस रहे। दूसरी बात है कि इंटरव्यू करवाए जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा, कोई होंगे तो बिल्कुल इसी चैनल पर इंटरव्यू। थैंक यू सर, अगर इंटरव्यू हो जाए कुछ सफल लोगों के तो काफ़ी कुछ पता चलेगा। हाँ, मैं भी इस दिशा में प्रयास करूंगा कि कोई यहाँ आए और इस चैनल पर अपना इंटरव्यू दे। प्रॉपर्स कमेंट बॉक्स पे आप लिख दीजिए कि आपके कौन कौन से सवाल हैं जो आप टॉपर्स और सफल लोगों को पूछना चाहते हैं। मैं वही सवाल पूछ करके उनके इंटरव्यू लूँगा और एक साथ